डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं खबरों में वल्चर कंजर्वेशन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया। यह समिति गिद्धों के लिए केंद्र की राष्ट्रीय संरक्षण योजना 2020-25 के अनुरूप है। चलिए जानते हैं भारत में गिद्धों की स्थिति के बारे में। गिद्ध मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये प्रकृति के कचरा संग्रहकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण से कचरा हटाकर उसे साफ रखने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि गिद्ध वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें शामिल है पहला ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर, दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, तीसरा स्लेंडर बिल्ड वल्चर, चौथा हिमालयन वल्चर, पांचवा रेड हेडेड वल्चर, छठवा इजिप्शियन वल्चर, सातवां बियर हेड वल्चर, आठवां सिनेरियस वल्चर और नौवां यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर। इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है। अंतर सरकारी निकाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित अंतिम गिद्ध जनगणना के अनुसार देश के गिद्धों की आबादी 2015 में घटकर 18,645 हो गई, जो 2003 में 40,000 से भी अधिक थी। आपको बता दें ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जबकि इजिप्शियन वल्चर यानी ईवी इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। गिद्धों के ऊपर मंडराते खतरों की बात करें तो इन्हें खतरा है डाइक्लोफेनाक जैसे विषाक्त से, जो पशुओं के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही मानव जनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों के नुकसान से भी इन्हें खतरा पैदा हो रहा है। भोजन की कमी और दूषित भोजन और बिजली लाइनों से करंट लगना भी इनके ऊपर मंडराते खतरे का एक बड़ा कारण है। चलिए जानते हैं भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है। गिद्ध कार्य योजना 2020-25 के तहत नॉन स्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले 2006 में सरकार द्वारा डाइक्लोफेनाक को पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह पूरे एशिया में गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण पाया गया है। इसकी वजह से 99% गिद्धों की आबादी घटी है। 2015 में तमिलनाडु, नीलगिरी, इरोड और कोयंबटूर जिलों में केटाप्रोफेन के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की स्थापना की। भारत में गिद्धों की मृत्यु के कारणों का अध्ययन करने के लिए 2001 में पिंजौर हरियाणा में एक गिद्ध देखभाल केंद्र यानी VCC स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में 9 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNH द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किए जा रहे हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, गिद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, पूरे एशिया में गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण डाइक्लोफेनाक को पाया गया है। कथन दो है, ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।